हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वासिल सिद्दीकी। वेलकम टू सोना ऑटोमोटिव। सोना ऑटोमोटिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए आज एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पार्क मिंडा का लॉक सेट। यहाँ पर हमारे पास बजाज पल्सर 200 और 220 के लिए मिंडा का लॉक सेट है, जिसके हम आपको अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, क्वालिटी दिखाएंगे, प्राइस के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट sonaautomotive.in का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप हमारे प्रोडक्ट विजिट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल इंडिया प्रीपेड डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी सर्विस नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ डिटेल्स इसके दिखा देते हैं। आपको सेट ऑफ 4 मिलने वाला है, लॉक सेट है स्पार्क मिंडा का, जेन्युइन क्वालिटी का, सेम कंपनी से भी स्पार्क मिंडा का ही प्रोडक्ट बजाज में मोस्टली आता है। लॉक किट आपको मिल जाती है, पल्सर 220 ओल्ड मॉडल जो 220 आता था 2011-12-13 वाला, एंड 200 जो आती थी सिंपल बाइक DTSI वाला, तो दोनों में ही लॉक सेट लग जाता है, दोनों का ही सेम होता है। यहाँ पर आप किट का आप नंबर देख सकते हैं, 2184Z इसका पार्ट नंबर है। क्वांटिटी 1 आपको मिलती है, सेट ऑफ 4 मिलता है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पर MRP प्राइस 653 MRP प्राइस है, 653 रुपये का MRP प्राइस है। एंड थोड़ी सी ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, जुलाई 2019 की, तो अब इसका जो प्राइस है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलने वाला है, ओल्ड प्राइस है। तो जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्वालिटी दिखाते हैं। यहाँ हमने आपके सामने अनबॉक्स कर लिया है बजाज पल्सर 220 एंड 200 बाइक का, ऑल मॉडल बाइक का लॉक सेट। यहाँ पर आपको सेट ऑफ 4 मिलने वाला है, सेट ऑफ 4 में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो हम आपको सब दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पूरा ये सेट अनबॉक्स है। सबसे पहले आपको इसमें मिलता है इग्निशन लॉक विद स्टीयरिंग लॉक। इसके अलावा आपको यहाँ पर टूल बॉक्स के दोनों ही साइड में लॉक मिलते हैं, तो दोनों ही आपको टूल बॉक्स के इसमें लॉक मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है पेट्रोल टैंक कैप का लॉक। यहाँ पर जो आपके सामने लॉक सेट है वो विदाउट टैंक कैप वाला लॉक सेट है, आप हमसे विद टैंक कैप वाला लॉक सेट भी ले सकते हैं। इसमें टंकी का ढक्कन नहीं आता, ओनली लॉक आता है, आप हमसे टंकी के ढक्कन वाला लॉक सेट भी ले सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपकी बाइक में जो टैंक कैप है, टंकी का ढक्कन है, वो बिल्कुल ठीक है, तो आप ओनली इसका लॉक चेंज कर सकते हैं, पूरा लॉक सेट आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका टैंक कैप भी ख़राब हो गया है, पुराना हो गया है, घिस गया है, तो आप पूरा जो कैप के साथ में सेट आता है वो भी ले सकते हैं, उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसमें आपके अगर जो कैप है वो सही है तो आपके इसमें काफ़ी सारे पैसे सेव हो जाते हैं। वन बाई वन हम आपको सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाने वाले हैं, सारे फंक्शन फीचर सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो के लास्ट में प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलता है स्टीयरिंग लॉक, इग्निशन लॉक, बजाज पल्सर 220 ओल्ड मॉडल 2009-10-11-12 के लिए, एंड 200 में भी ये सेम होता है, तो दोनों ही बाइक में लग जाता है, दोनों का ही कॉमन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वायर की बात कर लेते हैं, तो टू वायर वाला सॉकेट आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वायर आपको इसमें मिलती हैं। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ इग्निशन ऑन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। क्वालिटी एंड फिनिशिंग बिल्कुल ओके है, बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट है, तो कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमारा इग्निशन लॉक होता है, यहाँ पर हमारा हैंडल का या स्टीयरिंग का लॉक होता है। जब हम लॉक कर देते हैं तो हमारा स्टीयरिंग एक ही साइड में लॉक हो जाता है, तो यहाँ पर जो पिन है इसी के थ्रू, इसे ही स्टीयरिंग लॉक कहा जाता है, इसी के थ्रू हमारा हैंडल वन साइड लॉक हो जाता है। हम आपको करके भी दिखा देते हैं, तो यहाँ पर इसकी स्मूथनेस भी हम आपको दिखाने वाले हैं, कितना स्मूथ आपको मिलने वाला है लॉक। तो यहाँ पर हमारा इग्निशन ऑन हो गया है, यहाँ पर ऑफ हो गया है, एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से प्रेस करना रहता है, उसके बाद मूव करना रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टीयरिंग है वो लॉक हो जाएगा किसी भी साइड में, दोनों ही साइड में लॉक हो जाता है। तो इस तरह से कुछ वर्क करता है, काफ़ी स्मूथ होता है। यहाँ हमें स्टीयरिंग लॉक के लिए थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, नॉर्मली हम करेंगे तो नहीं होता है, यहाँ पर हमें हल्का सा प्रेस करना होता है, उसके बाद हमें मूव करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, काफ़ी स्मूथनेस है एंड काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। जो मिंडा की क्वालिटी होती है लॉक्स की, बहुत ही प्रीमियम होती है। इसकी जो चाबियाँ हैं वो लॉन्ग लाइफ होती हैं, जल्दी नहीं घिसती हैं, बहुत अच्छी टाइम चल जाती हैं, एंड इसके अंदर जो लॉक्स होते हैं वो भी जल्दी नहीं घिसते हैं, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है। इसीलिए OEM ब्रांड है, जेन्युइन में भी मिंडा का ही प्रोडक्ट आता है कंपनी के साथ फिटेड। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, आपको यहाँ पर दोनों मिलने वाले हैं टूल बॉक्स के लॉक। इसकी भी सेम की होती है लॉक सेट में, यही बेनिफिट होता है कि आपको एक ही चाबी से सारे जो आपके लॉक हैं वो खुल जाते हैं। यहाँ पर इस वक्त ये हमारा अनलॉक है एंड यहाँ पर हमारा लॉक हो गया है, तो सेम आपको इसमें भी यही मिलने वाला है, एंड सेम यही चाबियाँ इसमें भी लगने वाली है। यहाँ पर जो सिल्वर फॉइल जैसा कुछ लेमिनेट है आपको इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्टील का ही कलर इसमें आपको मिलने वाला है।
हम यहाँ पर आपको चाबियाँ भी दिखा देते हैं स्पार्क मुंडा की, आपको ब्रांडिंग मिलने वाली है। चाबी की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आप अच्छी तरह देख सकते हैं। इन जो मटेरियल यूज़ होता है वो भी काफ़ी प्रीमियम मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है। स्पार्क मुंडा की ब्रांडिंग आपको मिल रही है एंड काफ़ी हैवी प्लास्टिक यहाँ भी मिल रहा है एंड यहाँ पर भी, तो क्वालिटी में कहीं भी कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, पूरा ही लॉक सेट आपके सामने है। हमने आपको लॉक सेट भी दिखा दिया है, क्वालिटी भी दिखा दी है, सारी चीज़ें बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग से बात करने से पहले हम आपको कोई डिटेल्स इसकी फिर से बता देते हैं। लॉक सेट आपको मिलता है, सेट ऑफ फोर मिलता है, टू टूल बॉक्स के लॉक मिलते हैं आपको, टैंक कैप का लॉक मिलता है एंड मेन लॉक जो होता है स्टीयरिंग लॉक या इग्निशन लॉक वो आपको साथ में मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको दो चाबियाँ मिल जाती हैं। पार्ट नंबर यहाँ पर आप स्पार्क मिंडा का देख सकते हैं, 2184Z इसका पार्ट नंबर है। इसके अलावा 653 MRP प्राइस 650 रुपये में आपको मिलने वाला है। बजाज पल्सर 220 एंड 200 ओल्ड मॉडल 2008, 9, 10, 11, 12, 13 तो ओल्ड मॉडल बाइक के लिए आता है, नई वाली जो 220 उसमें फिट नहीं होने वाला है। तो 220 एंड 200 दोनों ही मॉडल में DTSI में लगने वाला है, 650 रुपये में आपको मिलने वाला है। ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट sonaautomotive.in का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप हमारे प्रोडक्ट विजिट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल इंडिया प्रीपेड डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी सर्विस नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, उसी टॉपिक पर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू।